नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और फैक्ट चेक के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। सोशल मीडिया आज के दौर में लोगों की आदत बन गया है। आप अक्सर लोगों को देखते होंगे मोबाइल पर आंखें टिकाए रहते हैं और इसकी वजह भी है क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ ऐसा आता रहता है जो लोगों के मन में जिज्ञासाएं बढ़ाता रहता है और ये जिज्ञासाएं अक्सर वीडियोज के जरिए, सूचनाओं के जरिए, खबरों के जरिए मन में पैदा होती हैं। लेकिन आपकी जिज्ञासाएं शांत हो रही हैं या फिर आप कहीं कंफ्यूजन में तो नहीं आ रहे, ये भी जानना जरूरी है। और इसकी वजह हम इसलिए बता रहे हैं, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पर कई ऐसी बातें भी आती हैं जो तथ्य के तौर पर सही नहीं होती, उनमें तथ्य नहीं होता, अफवाहें होती हैं और आप उनका शिकार हो जाते हैं। लिहाजा आपको उससे बचाने के लिए हम करते हैं फैक्ट चेक और आपको बताते हैं पूरा सच। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक फ्लाइट के अंदर महिलाओं को लड़ते हुए देखा जा रहा है। यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि वीडियो में लड़ाई करती नजर आ रही लड़की एक्टर उर्फी जावेद है। यूजर्स ये भी दावा कर रहे हैं कि दुबई फ्लाइट में यह घटना हुई है, लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो पूरा सच सामने आ गया। प्लेन में फ्री स्टाइल फाइट, दो महिलाओं के बीच तेज तनाता, विंडो सीट के लिए छिड़ी जंग। एक्ट्रेस उर्फी जावेद ने मारपीट की, एक्ट्रेस उर्फी जावेद के लड़ने का सच क्या? सोशल मीडिया पर यह हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक फ्लाइट के अंदर दो महिलाएं लड़ाई करती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान फ्लाइट में मौजूद बाकी लोग दोनों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर फ्लाइट में हो क्या रहा है। यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि वीडियो में लड़ाई करती नजर आ रही लड़की उर्फी जावेद है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, उर्फी जावेद प्लेन में खिड़की के पास वाली सीट के लिए लड़ती हुई पाई गई। मामला दुबई की फ्लाइट का। दावा चौंकाने वाला था। उर्फी जावेद टीवी की चर्चित एक्ट्रेस हैं। हालांकि अपने अतरंगी ड्रेस कलेक्शन और बिंदास बयानों के चलते वो सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा में रहती हैं, लेकिन उर्फी जावेद ने फ्लाइट में मारपीट की, वो भी विंडो सीट के लिए, ये दावा अटपटा लग रहा था। ऐसे में गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की सच्चाई के लिए तहकीकात शुरू की। वायरल वीडियो की जांच के लिए सबसे पहले उसके कई ग्राफ्स निकाले गए, फिर इन्हें गूगल लेंस टूल की मदद से सर्च किया। इसके जरिए वायरल वीडियो से जुड़ी एक रिपोर्ट पुर्तगाल की वेबसाइट पर मिली। रिपोर्ट को 3 फरवरी 2023 को प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वायरल वीडियो सल्वाडोर से ब्राजील जाने वाली एक फ्लाइट में हुई घटना का है। तहकीकात के पहले चरण में ही वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा था वो गलत साबित हो रहा था, लेकिन हमने अपनी पड़ताल को रोकी नहीं बल्कि कुछ संबंधित कीवर्ड से सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल वीडियो से जुड़ी एक और रिपोर्ट एक न्यूज चैनल के आधिकारिक हिंदी वेबसाइट पर प्रकाशित मिली। रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो साओ पाउलो में सल्वाडोर और कांगोन हास की फ्लाइट G3-1659 का है। कई मीडिया आउटलेट्स में इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील के जीओएल एयरलाइंस के एक विमान में विंडो सीट को लेकर महिलाओं के एक समूह में जमकर लड़ाई हुई। एक महिला यात्री ने अपने सहयात्री से अपने विकलांग बच्चे के साथ सीट बदलने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उस यात्री ने साफ मना कर दिया। इसी बात पर महिला नाराज हो गई और सहयात्री के परिवार पर हमला करना शुरू कर दिया। छोटी सी बात पर शुरू हुआ ये विवाद कुछ ही पलों में हिंसक हो गया। बाद में इस घटना में शामिल लोगों को उतार दिया गया था। इस तरह वायरल वीडियो के फैक्ट चेक से ये स्पष्ट होता है कि वीडियो के जरिए उर्फी जावेद के नाम पर गलत दावा किया जा रहा है। वायरल वीडियो ब्राजील के जीओएल एयरलाइंस में हुई एक घटना का है। दो परिवारों के बीच में सीट को लेकर लड़ाई हो गई थी। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक ट्विन टावर को एक ही झटके में धूल के गुबार में बदलते देखा जा रहा है।
इस वीडियो को यूजर्स सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप से जोड़कर शेयर कर रहे हैं। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, इसकी हमने पड़ताल की। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में एक ही झटके में वहां सब कुछ बर्बाद हो गया। दोनों देशों में आई इस महातबाही में हजारों लोगों की जान चली गई। अब सोशल मीडिया पर इस घटना से जोड़कर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। उन वायरल वीडियोस में से एक वीडियो ये भी है, जिसमें दो इमारतों को एक ही झटके में धूल के गुबार में बदलता देखा जा सकता है। इस वीडियो को यूजर्स सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप का बता रहे हैं। इस वीडियो को तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के अगले दिन 7 फरवरी को अपलोड करते हुए एक फेसबुक यूजर ने लिखा, बिल्डिंग कॉलेप्स इन सीरिया आफ्टर अर्थक्वेक, मतलब सीरिया में आए भूकंप में इमारत ढही। कई और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस वीडियो को इसी तरह के मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया है। वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए जब हमने इसके की फ्रेम्स को निकालकर इसे रिवर्स इमेज सर्च किया तो हमें ये वीडियो 28 अगस्त 2022 या इसके आसपास कई यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट पर अपलोड मिला। एक न्यूज चैनल के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर यही वीडियो 28 अगस्त 2022 को शेयर करते हुए बताया गया है कि ये वीडियो यूपी में 32 मंजिला दो टावरों को गिराने का है। यहां से मिली जानकारी को आधार बनाकर जब हमने कीवर्ड सर्च किया तो हमें इससे जुड़ी कई मीडिया रिपोर्ट्स मिली, जिसमें इस वीडियो के की फ्रेम को देखा जा सकता है। यहां रिपोर्ट में जो तस्वीर इस्तेमाल की गई है वो वीडियो में दिख रही इमारत से मेल खाती है। इस रिपोर्ट में यूपी के नोएडा में ट्विन टावर गिराने की घटना का सिलसिलेवार जिक्र है। थोड़ा और सर्च करने पर हमें इस वीडियो का लंबा वर्जन मिला, जिसमें ट्विन टावर में ब्लास्ट को दिखाया गया है। एक न्यूज चैनल के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो 28 अगस्त को अपलोड किया गया है। यहां इस वीडियो के बारे में बताया गया है कि ये वीडियो नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर्स डिमोलिशन का है। जैसे ही विस्फोट का बटन दबाकर विस्फोटकों को ट्रिगर किया गया, 100 मीटर लंबा सुपरटेक ट्विन टावर्स ताश के पत्तों की तरह ढह गया। लोगों के शोर शराबे के बीच पूरा क्षेत्र धूल के गुबार से भर गया। हालांकि अब तक की पड़ताल में वायरल वीडियो को लेकर तस्वीर साफ हो गई थी, फिर भी पड़ताल को पुख्ता करने के लिए जब हमने थोड़ा और सर्च किया तो हमें यही वायरल वीडियो एक जाने माने आधिकारिक वेबसाइट पर भी मिला। इसमें भी बताया गया है कि नोएडा में दो हाईराइज टावर को गिराने के बाद चारों ओर धूल का गुबार उड़ने लगा। कुल मिलाकर हमारी पड़ताल में वायरल दावा गलत निकला। दरअसल जिस वीडियो को शेयर करके यूजर्स इसे सीरिया में आए हालिया भूकंप का बता रहे हैं, असल में वो वीडियो अगस्त 2022 का है, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को गिरा दिया गया था। साफ है कि इसका सीरिया में आए भूकंप से कोई लेना देना नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।